आतंकवाद कैसे शांत होगा पता है? अगर हमारे यहाँ एक एक इंसान की शहादत होती है तो यहाँ 1,000 का अगर जाने लगेगा 1:1,000 ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। रीजन समझ रहे हैं ना? रीजन क्या है कि हमारे यहाँ किसी का, अभी हम लोग का समाज इंडिया जागरूक हो गया है। इंडिया में चाहे जिस जाति धर्म मजहब के लोगों को देखिएगा, सब लोग को लगता है हम दो, हमारे दो, नॉर्मल फैमिली छोटी फैमिली में खुशहाल रहते हैं। वहां अभी भी अरे 10 बोले क्या देखेगा, ऊपर वाले की देन है। नहीं समझ आ गया? MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ऑपरेशन कर देगा, सब देन खत्म। मतलब डॉक्टर ज्यादा पावरफुल हो गया, मतलब समझो ऊपर वाले को भी बदनाम कर रहे हैं सब। अब बाल बच्चे होने को कहेगा कि देन है ऊपर वाले की, तो एक MBBS आएगा कहेगा रुक तुम मांग ऊपर वाले से, हम ऑपरेशन कर देते हैं। फैलोपियन ट्यूब काट दिया, खत्म कहानी, ट्यूबेकोटॉमी। ये समझो किसी स्कूल को या किसी धर्म को बर्बाद करना है तो उसमें कम बुद्धि वाले लोगों को भेज दो, बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे? कम बुद्धि वाले चौपट हो जाएगा। यही हुआ वहां पर। ये सब यहां से ना इंसर्जेंसी इतनी बढ़ते जा रही है जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पर तुम्हें मारना है भारत को, तुम कह दो कि हम भारत से लड़ लेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन वो बीच में अल्लाह को घुसा देता है इंशाल्लाह। नहीं समझ आएगा? हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, एक दिन हम लोग तबाह कर देंगे, अखंड भारत लाएंगे। समझ आएगी नहीं गया? क्योंकि हमें पता है कि ये सब छोटा मोटा देश को कब्जा करने के लिए भगवान को क्या डिस्टर्ब करेंगे लोग। अरे भगवान को उतारना ही बड़ा काम के लिए उतारेंगे, पूरे एशिया उसी कब्जा करना रहेगा तो अब यहाँ तो लाइचीदाना को तो हम ही लोग देख लेंगे लोग यहाँ पे। तो धार्मिक चीजें तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने चाल में सक्सेस हो जाता है। वो जब भी आतंकवादियों को यहाँ भेजता है ना तो उसका कहना रहता है सीधा, गोली मारे ना मारे इससे मतलब नहीं है, गोली चलाने वाला मुस्लिम दिखना चाहिए। इसलिए आतंकवादी सब, एक बात बताओ, अगर कोई आतंकवादी बुलेट प्रूफ पहन लेता है तो ज्यादा तबाही मचाएगा भारत में। बैलिस्टिक हेलमेट पहन लेता है ज्यादा तबाही मचाएगा, लेकिन वो कुर्ता पैजामा पहनाएगा और नमाज पढ़ने वाला टोपी। रीजन क्या है कि वो भारत को इंटरनली डैमेज करना चाहता है कि यहाँ जो 20-22 करोड़ मुस्लिम रह रहे हैं लोग उसको शक के नजर से देखने लगे कि भैया जैन टोपी तुम्हारा था वही टोपिया उसका भी था। आप समझ रहे उसकी चाल क्या होती है? और इन आतंकवादियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे एक घातक तरीका है, जो मार रहे हैं सब मार दीजिए, न्यूज़ में मत आने दीजिए, न्यूज़ में मत आने दीजिए। अब मारने के बाद बॉडी कहाँ गया पते नहीं लगने दीजिए, मेडिकल कॉलेज में भेज दीजिए, वहीं विद्यार्थी सीखेगा चीर फाड़ करके, पता नहीं कहाँ था यहाँ पे। एक्सेप्ट करो, अब पाकिस्तान के आतंकवादी मारे गए तो घर पता बताओ, हम खोज रहे हैं, बताएगा नहीं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को दे दीजिए सीखेगा। ओ माई गॉड, मान के चलिए हिया गोली लगल है, हिया नहीं सीख सकता है, पैरवा चीर के सीख लेगा। ये भाई है करे काम चलाओ हो, मान के जो बम लगा दही उधिया गया तो एक पैरवा उठा ना ले गए दूगो अपना डॉक्टर, डॉक्टर हम दहीना पैर चीर रहे तुम बाया चीर, सदा दे ससुरल का तबाह करके रख दिया यहाँ पर। और इसलिए अब भारत में वो दिखाना क्या चाहता है आप समझ ही रहे हैं। वो मुस्लिम और हिंदू का वो जो एक कॉमन हारमोनी के साथ रहते हैं एक वहां पे, उसको वो डिस्टर्ब करना चाहता है। नहीं तो उसका वो तो पंजाब बॉर्डर भी पास में लगता है, यहाँ भी हमला करे चाहे, यहाँ राजस्थान लगता है, यहाँ गुजरात लगता है, बट यहाँ पे ना वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं खेल पाएगा। समझा गया? दूसरा एक और रीजन है, यहाँ पकड़ा जाएगा, रेगिस्तान है, सोचा कोई खड़ा रहेगा ना यहाँ पे तो 10 किलोमीटर दूर से दिख जाएगा, इसे दूर से दिख जाएगा, यहाँ जंगल नहीं है खेती है, दिख जाएगा खेत में कितना छुप सकता है, बड़ा हथियार नहीं छुप सकता है मूवमेंट। यहाँ पे क्या पहाड़ है और जंगल बड़े बड़े हैं सर, पहाड़ के उधर चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ पे छुपना क्या जाता है, इसे छुप जाएगा तो हो जाएगा, लेट जाएगा तो कोई नहीं खोज पाएगा आपको, बड़े बड़े पहाड़ में यहाँ पे, तो इसका वही फायदा उठाता है। अब हम लोग इसको उतना डैमेज नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जगह क्या हो जाएगा, जम्मू आइए, कश्मीर आइए, लद्दाख, लेकिन नए नक्शा के हिसाब से ये क्या है, जम्मू कश्मीर आइए, कंप्लीट क्या है लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर आइए लद्दाख। हम पूरा नक्शा इसलिए दिखाते हैं कि हमारा कहना है कि आज नहीं तो कल हम लेके आएंगे, आज नहीं तो कल लेकर आएंगे। लोकसभा में भी इसके लिए सीटें खाली रखी जाती है, 5 सीट, 5 सीटें खाली रखी जाती है, संसद में जाएंगे ना 5 सीट खाली रहेगा, इसलिए कि हम लेके आएंगे।
जवाहरलाल नेहरू ने गलती क्या कर दी, वो इस मामला को यूएनओ में लेके चले गए, उन्हें लगा यूएनओ में मुकदमा जीत जाएंगे, बट यूएनओ 1945 में बना ही था और 1947 में केस ले जाकर ठोक दिए, इन्हें लगा यूएनओ ठीक है आज तक मुकदमा चलता है। तो शुरुआत में इनको भी नहीं लगा, वकील थे ओवर कॉन्फिडेंस के, जज मतलब क्या, अरे भैया कोर्ट कचहरी में मामला चल जाता है तो अटक जाता है वहां पे। अब वहां पे यूएनओ का क्या कहना है कि आप वहां के लोगों से पूछिए कहां रहना चाहते हैं, अब भाई भारत तो ले गया केस अटक गया, केस ले जाके क्या हो गया अटक गया, कि भैया वहां के लोगों से पूछेंगे तब क्या होगा। इसलिए भारत ने अभी जाके 370 हटाया है और यहाँ दो चार को रेलवे वेले की वैकेंसी निकालेंगे, जहां वैकेंसी निकलेगा बिहार से करोड़ों लोग यहाँ पहुंच जाएंगे जॉब करने, धीरे धीरे यूपी बिहार वाला यहाँ पहुंच जाएगा और नौकरी मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा वहीं पे, धीरे धीरे वहीं घर बसा लेगा, हुए रह जाएगा, वहां की जनसंख्या में यहां के लोगों का घुल मिल ज्यादा हो जाएंगे, उसके बाद जब वोटिंग हो जाएगा तो वोट डाइल्यूट हो जाएगा, बिहार वाला मारेगा दो बार ईवीएम दाबेगा, इंडिया में कोई चीज तो ईवीएम धसा दे तो नहीं समझे। तो पहले जब 370 लगा था तो बाहर के लोग बस नहीं सकते, तो अभी क्या हो सकते, बस सकते, अभी आईओ को बसाने में क्या जाता, बस तो दो चार वैकेंसी निकाले चांद पे पहुंच जाएगा।